हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आरोवा फाउंडेशन जैसे ने आपके लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसमें क्या क्या कवरेजेस हैं उसको बताने के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, ताकि आपको क्लेम लेने के लिए टाइम पे आपको अपनी जेब से पैसे ना देने पड़े, इस तरीके से कोई परेशानी ना हो। पहले तो पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो आपकी 2 लाख रुपए की पॉलिसी है पर बंदे की, यानी कि अगर हॉस्पिटल का बिल या कोई भी हो तो आपको 2 लाख रुपए तक का आपको आराम से कैशलेस हो जाएगा। दूसरा ये बेनिफिट है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से मतलब ये होता है कि जब आप एडमिट हो गए, एडमिट होने के बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे, तो डिस्चार्ज के बाद के 60 दिन के बिल, जिसमें कि आपके ब्लड टेस्ट हो गया, जो भी आपके ओपीडी के बिल हो गए, और उससे पहले के 30 दिन पहले के, वो रिइंबर्स हो जाएंगे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपकी जो रूम की जो लिमिट है वो सिंगल रूम जो है वो 3,500 रुपए तक का होना चाहिए, और जो ICU में वो 7,000 रुपए तक का होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था। आपको मैं इस चीज के बारे में बताऊं कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने आपकी पॉलिसी में जैसे मैंने बताया कि आपका रूम की लिमिट 3,500 रुपए तक की है और ICU की 7,000 रुपए तक की। अगर आप किसी जगह एडमिट होते हैं और आपका जो रूम की जो लिमिट है, यानी कि रूम का जो अमाउंट है, वो 3,500 से ऊपर जा रहा है, या 5,000 या 6,000 जा रहा है, या ICU का भी ऊपर जा रहा है, तो आपका जो बिल है ना वो उसी हिसाब से सेटलमेंट होगा। तो उसमें आपका डिडक्शन लगेगा, उसमें डिडक्शन आपका 30-40% लगता है। ये कंपनी की गाइडलाइन होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की, कि अगर हमारी लिमिट जितनी रूम की है और उससे ऊपर पे अगर हम ले रहे हैं तो ये ऐसा होता है। अक्सर अभी 1-2-3 क्लेम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो साथ में कि जब क्लेम आया तो उनका जो हॉस्पिटल का जो बिल था उसमें 50-60,000 रुपीज उन्हें अपनी जेब से देने पड़े। कारण यही था कि उनका 3,500 रुपए तक का लिमिट था, उन्होंने 7,000 रुपए तक का बिल पे किया है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, अगर या कोई बीमारी पहले से चली आ रही है और आपको उसका इलाज कराने की ज़रूरत है, तो आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले दिन से कवरेजेस हैं, तो आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत। दूसरा, अगर सेम बीमारी के लिए भी अगर आपको दोबारा एडमिट होना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा जाके सेम हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस लास्ट हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जब भी अगर आपको मालूम है कि आपका जैसे मान लीजिए हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है किसी का, और उसको मालूम है कि एक डॉक्टर ने डेट दे दी और आपने हॉस्पिटल डिसाइड कर लिया कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो पहले आप अपना कार्ड देंगे, तो कार्ड देने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, वो चेक करके आपका वहाँ का एक हॉस्पिटल का TP होगा, तो वो बताएगा कि भाई इतना हमारा एस्टिमेट बन रहा है और 1.5 लाख का खर्चा है और ये खर्चा है। इसमें आप ज़रूर उनसे ये कहिएगा कि सर मेरा ना 3,500 रुपये की मेरी रूम की लिमिट है और ICU की 7,000 की है, तो मेरे को आप इसी हिसाब से रूम देना और इसी हिसाब से करना, अगर इससे ऊपर डिडक्शन आएगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना मैं दूंगा, तो आप मेरा जो बिल बनाइएगा वो इसी हिसाब से सेटल करिएगा। तो यही होगा, अगर आपको इससे ऊपर जा रहा है तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि सर मेरे को इसमें कितना देना होगा, तो वो TPA वाला आपको क्लियर करेगा। अगर क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और क्लेम आप ले लेते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो जब आप डिस्चार्ज के टाइम पर जो भी डिडक्शन होगा वो कंपनी की गाइडलाइन से होगा, वो हमें पे करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल वाले ये एक छोटी सी बदमाशी करते हैं। दूसरा, हमको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कभी क्लेम मिलता है तो डिस्चार्ज के टाइम में ना आपकी जब पेपर TPA वाले जब वो भेज देते हैं कैशलेस के लिए, तो 2-3 घंटा लगता है, तो आप उसके लिए वेट करें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके गौरव सर हैं ही, वो कांटेक्ट कर लेंगे, तो हाल के हैंड टू हैंड हम काम आपका करा देंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको कभी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ज़रूर समझें कि क्या है। बाकी मैं एक लिंक और दे दूंगा जिसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल वीडियो दी गई है। थैंक यू।